हमारे साथ है रोड ट्रांसपोर्ट हाईवेज और शिपिंग मिनिस्टर मनसुख मांडविया सर। आइए उनसे बात कर लेते हैं। सर, अगर बात करें पोर्ट डेवलपमेंट की इंडिया की, तो किस तरीके से प्लानिंग है, और स्पेशली अगर वेस्ट बंगाल की पोर्ट की बात करें तो क्या कुछ प्लानिंग चल रही है उसमें? देश में पोर्ट डेवलपमेंट ये हमारी प्राथमिकता रही हुई है, क्योंकि 95% कार्गो, इंटरनेशनल कार्गो रोड से देश शिपिंग से देश में आते हैं। इसलिए पोर्ट डेवलपमेंट एक महत्वपूर्ण व्यवस्था है, और उसको दुरुस्त करने के लिए हमने सागरमाला योजना चलाई है। सागरमाला योजना के अंतर्गत हम देश में आज हमारे पास 12 मेजर पोर्ट है, और नए 6 मेजर पोर्ट हम डेवलप करने के लिए जा रहे हैं। उसके अलावा जो आज हमारे पास मेजर पोर्ट है, उसकी इफ़िशियंसी बढ़े, उसको मैकेनाइज्ड करके उसके ऊपर कार्गो बढ़ाने की हम कोशिश कर रहे हैं। मुझे कहते हुए आज खुशी है कि देश में कई बार नहीं हुआ था इतना मैक्सिमम का दरियाई कार्गो हमारा मेजर पोर्ट से हुआ है। ये हमारे लिए एक महत्वपूर्ण बात है। और पोर्ट को डेवलप करने के लिए रोड कनेक्टिविटी हम दे रहे हैं, कोस्टल शिपिंग को डेवलप कर रहे हैं, रेल कनेक्टिविटी दे रहे हैं, भी रेलवे कंपनी भी बनाई है, और ये सब व्यवस्था के माध्यम से हम पोर्ट डेवलपमेंट कर रहे हैं। खास करके वेस्ट बंगाल में जो एक हमारा शिप बिल्डिंग कंपनी भी थी, तो शिप बिल्डिंग को फिर से हमने हमारा और जो एक शिप बिल्डिंग कंपनी है, इट्स गवर्नमेंट PSU, उसके साथ उसका शेयर होल्डिंग को शेयर करके बंद बंद पड़ी हुई वेस्ट बंगाल में हमारी शिप बिल्डिंग कंपनी को हम फिर से शुरू कर रहे हैं। उसके अलावा वहाँ का पोर्ट डेवलपमेंट हो, और वेस्ट बंगाल में कलकत्ता पोर्ट को डेवलप करने के लिए भी हमने सागरमाला योजना के अंतर्गत कई इनिशिएटिव लिया है, और ये पोर्ट को हम अगले समय में और बांग्लादेश और म्यांमार के पोर्ट के साथ जोड़ के, और वहाँ से हम डायरेक्ट नॉर्थ, हमारा जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट है, उसमें ब्रह्मपुत्रा नदी के माध्यम से हम कार्गो बढ़ाने की कोशिश करेंगे। सर, अगर बात की जाए वेस्ट बंगाल पोर्ट के डेवलपमेंट की, जिस तरीके से आपने बात बताई, वहाँ की अगर गवर्नमेंट की बात बताए, तो उनसे किस तरीके की आपकी एक्सपेक्टेशन है कि किस तरीके से वो आपकी मदद करे इस काम को आगे बढ़ाने के लिए? खास करके कोई भी डेवलपमेंट अल्टीमेटली तो हम कोई ना कोई स्टेट में ही कर रहे हैं। यूनियन गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट से अलग नहीं हो सकती है, परस्पर एक हमारा फेडरल स्ट्रक्चर में कोई अधिकार स्टेट को दिया गया है, कोई अधिकार सेंट्रल को दिया गया है। लेकिन डेवलपमेंट होता है कहाँ? कलकत्ता पोर्ट है कहाँ? वो तो वेस्ट बंगाल में ही है। तो वेस्ट बंगाल के गवर्नमेंट जितना सहयोग करेंगी, इतना वहाँ हम ज़्यादा डेवलपमेंट कर सकेंगे। कोई PPP मॉडल हो सकता है, PPP मॉडल में स्टेट गवर्नमेंट का रोल रहता है। माइनर पोर्ट है, या तो माइनर पोर्ट पर जेटी बनाना है, फिशरीज डेवलपमेंट करना है, उसमें सागरमाला योजना के अंतर्गत 50% की PP योजना चलती है। उसमें 50% हमारी सागरमाला योजना के अंतर्गत हम खर्च करते हैं, और 50% स्टेट गवर्नमेंट खर्च करती है। तो स्टेट गवर्नमेंट की ओर से हमको जो दरखास्त मिलेगी, तो हम अवश्य उसको भी इम्प्लीमेंट करेंगे। लेकिन नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व वाली हमारी NDA की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हम सभी स्टेट को सहयोग करना चाहते हैं, सभी स्टेट का डेवलपमेंट हो ही नीति से हम आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए जहाँ भी आवश्यकता हो, वहाँ स्टेट गवर्नमेंट को हम अवश्य सहयोग करते रहेंगे। सर, अगर आपके डिपार्टमेंट की बताई जाए, तो अभी फिलहाल इमीडिएट प्रायोरिटीज क्या है? आज मेरे पास तो ट्रांसपोर्ट, नेशनल हाईवेज, शिपिंग, केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स, फार्मा, पेट्रोकेमिकल्स सभी डिपार्टमेंट है। लेकिन जो रोड सेक्टर की बात करें, तो रोड सेक्टर में हम गति से, जो पहले 10-12 किलोमीटर नेशनल हाईवे बनता था, नाउ एंड टुडे वी आर बिल्डिंग इन 24 किलोमीटर नेशनल हाईवे पर डे, वो रफ्तार से हम आगे बढ़ रहे हैं। और उसके लिए अच्छी तरह से लैंड एक्विजिशन हो रहा, PPP मॉडल हम सक्सेसफुल कर चुके हैं। जो पुराने 69 जैसे प्रोजेक्ट नेशनल हाईवे का PPP मोड पर जो चलता था,
वो आगे नहीं बढ़ रहा था, सभी को हमने ठीक ठाक करके उसके साथ कंसल्टेशन करके आगे बढ़ाना शुरू कर दिया है। कहीं नहीं कर पाए वैसे प्रोजेक्ट को और वैसे एजेंसी को हमने छोड़ दिया है। ऐसा करके अब हमने कमिट किया था कि 5 साल में हम 1 लाख किलोमीटर नेशनल हाईवे बनाएंगे, वो दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। किसान को फर्टिलाइज़र आवश्यक है और नरेंद्र भाई ने कहा था कि मेरी सरकार किसानों के प्रति भी संवेदनशील है, उसकी आय 5 साल में डबल करनी है। आय डबल करने के लिए देश में जो आज व्यवस्था बन रही है, ये व्यवस्था को फिलफुल करने के लिए किसानों को सस्ते दर में फर्टिलाइज़र मिले, और इसलिए हम एक यूरिया बैग पर 700 रुपीज़ करीबन सब्सिडी दे रहे हैं, एक DAP बैग पर 450 रुपीज़ हम सब्सिडी दे रहे हैं, 50 kg की एक MOP बैग पर हम 400 रुपीज़ सब्सिडी दे रहे हैं, 70,000 करोड़ रुपीज़ हम ईयरली सब्सिडी दे रहे हैं। तो ये सब्सिडी हम किसानों को दे रहे हैं, उसका उपयोग किसानों के लिए ही हो, इसलिए हमने 100% नीम कोटिंग यूरिया बना दिया है। नीम कोटिंग यूरिया से किसान की यील्ड भी बढ़ी है और उसका जो काला बाजार उसका डाइवर्जन होता था वो भी बंद हो गया है, और उसके कहाँ भी देश में आज यूरिया फर्टिलाइज़र के लिए किसान लाइन में नहीं खड़े रहना, उसको खड़े रहने की स्थिति नहीं है। हमने बेहतरीन व्यवस्था की है, सॉइल हेल्थ कार्ड आज एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री की ओर से दिया जा रहा है। सॉइल हेल्थ कार्ड, फर्टिलाइज़र और DBT और आधार कार्ड सबको साथ में जोड़ के किसान को आवश्यकता के अनुसार अपनी सॉइल की रिक्वायरमेंट के अनुसार फर्टिलाइज़र मिले और किसान को ही मिले, वो कहाँ भी डाइवर्ट ना हो जाए, इसके लिए हम DBT भी लागू कर रहे हैं। उसमें हम आगे बढ़ चुके हैं, आज हमने 19 डिस्ट्रिक्ट में प्राइमरी 1 साल के लिए एक्सपेरिमेंट ले लिया है, उसमें हम सक्सेस रहे हैं। अगले दिन में हम सारे देश में किसान की सब्सिडी डायरेक्ट किसान के अकाउंट में जाए, वो दिशा में काम कर रहे हैं। सर, आपके पास जैसे कि बहुत सारे विभाग हैं, उसी विभाग के अंतर्गत आपने अभी जो नी इम्प्लांट का एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है, क्या है एग्जैक्टली और किस तरीके से लाभान्वित होंगे लोग इससे? प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि देश की कोई गरीब और कोई मरीज बिना दवाई से मृत्यु की नौबत नहीं आनी चाहिए। ये बात को फिलफुल करने के लिए मेरा मंत्रालय ने अनेक इनिशिएटिव लिया। आज 1045 फॉर्मुलेशन का प्राइस हमने कैप कर दिया है। मैनेजर BP की मेडिसिन है, डायबिटिक मेडिसिन है, या तो जीवन जरूरी जो मेडिसिन है, ये सब का प्राइस सीलिंग हमने रख दे, जैसे कोई उसका मुनाफा कोई गुना ना ले। उसके अलावा हमने देश में सभी लोगों को, सभी दर्दी को किफ़ायती दर से मेडिसिन मिले, उनके लिए आज 2225 प्रधानमंत्री जनऔषधि केंद्र ओपन कर दिया है। ये प्रधानमंत्री जनऔषधि केंद्र के माध्यम से मैक्सिमम 50%, 10%, 20% में 150 ऐसी मेडिसिन है जिसकी प्राइस 15% जो ब्रांडेड के अलावा ब्रांडेड के सापेक्ष में केवल 50% है, वो भी हमने अच्छा इनिशिएटिव लिया है और वो सक्सेस हो रहा है। वैसे ही स्टेंट हार्ट में लगाने वाला स्टेंट मार्केट में 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख में बिकता था, हमने उसका प्राइस कैप कर दिया है। बेरियल मेटल स्टेंट है, वह आज 7,800 रुपीज़ में मिलता है, और ड्रग एल्यूटिंग स्टेंट है वह 31,000 रुपीज़ में मिलता है, जो पहले 2.5 लाख रुपीज़ में मिलता था। इससे गरीबों को बहुत राहत हो रही है। उसके अलावा नी इम्प्लांट्स, उसकी कीमत 1.5 लाख, 2 लाख होती थी। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई ने 15 अगस्त को लाल किले से अनाउंस किया कि हम उसकी प्राइस भी कैप करेंगे, नेक्स्ट डे हमने उसकी प्राइस कैप कर दिया है। वो जो 1,55,000 रुपीज़ में मिलता था, उसकी प्राइस हमने 54,000 रुपीज़ कैप कर दिया, फिक्स कर दिया है। कोई भी पेशेंट को नी प्लांट करना है, नी प्लांट की सर्जरी करनी है, वो एकदम सस्ती हो चुकी है। यानी कि सर आजकल मैक्सिमम ये देखा जा रहा है कि नी इम्प्लांट एक सबसे बड़ी समस्या कहीं ना कहीं खड़ी हुई थी, खासकर महिलाओं में ये समस्या है ही, और इसको तो अगर जो ये कैसे ऑथेंटिकेशन कैसे जांच करेंगे सर कि ये सभी को उतने ही दाम में सस्ते से सस्ते में मुहैया होंगी या जो नीडी हैं या फिर कुछ इसके लिए भी क्राइटेरिया होगी? हमने उसके लिए कोई क्राइटेरिया नहीं किया है।
देश में सालाना 6 करोड़ दर्दी पेशेंट नी के दर्द से पीड़ित की सूची में आते हैं, और उसमें से शायद 1 से 1.5 लाख लोग उसमें नी इम्प्लांट कराते हैं। उससे सालाना 1500 करोड़ से ज़्यादा खर्च ये नी इम्प्लांट्स का प्राइस कैप करने से बचेगा, और ये इनिशिएटिव हमने लिया है। उससे बिना कोई क्राइटेरिया से सभी लोग ये सस्ते और किफ़ायती रेट में नी इम्प्लांट्स परचेस कर पाएंगे। थैंक यू सो मच सर। तो हमारे साथ थे मनसुख मांडवीय सर, जिन्होंने हमारे साथ तमाम मुद्दों पर बात की और बहुत सारी इंपॉर्टेंट जानकारियां हमें दी। वीडियो जर्नलिस्ट विवेक के साथ मैं सुचित्रा मुखर्जी, NM News के लिए दिल्ली से।